भारत विकास परिषद के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन ब्रह्मनाथ का शुभारंभ शनिवार को आजाद पार्क में शंखनाद से किया गया। ध्वजारोहण प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश कोकटा और कैलाश अजमेरा ने किया। प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि भूतपूर्व एयर चीफ मार्शल आरसी वाजपेयी, स्वागत समिति के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम पारिक, कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किशन गोपाल सहसर, राष्ट्रीय महासचिव अजय दत्ता, राष्ट्रीय सचिव ओपी कानूनगो, अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्य समिति पीके जैन, प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश कोकटा, प्रांतीय महासचिव कैलाश अजमेरा, प्रांतीय कोषाध्यक्ष पारसमल बोरा रहे। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम पारिक ने कहा कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत अजमेर शहर को 28वां राष्ट्रीय अधिवेशन करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। आज राष्ट्रीय अधिवेशन का जोरदार आगाज ध्वजारोहण और शंखनाद से हुआ। इस अधिवेशन में पूरे भारत से लगभग 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 3500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। द्वितीय सत्र की शुरुआत नुक्कड़ नाटक द्वारा की गई, जिसमें पानी बचाओ, स्वच्छता अभियान, शौचालय निर्माण का संदेश दिया गया। दूसरे सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि भारतवर्ष में छुआछूत और अन्य किसी प्रकार की कुरीतियां नहीं थी, लेकिन विदेशी आतिथियों के आक्रमण के बाद छुआछूत, बाल विवाह, घूंघट प्रथा जैसी कुरीतियां तत्कालीन समय में आ गई, जो आज तक चली आ रही हैं। भारत विकास परिषद को एक नई गति मिले, उन्होंने क्या क्या कार्य करने हैं और आगे क्या क्या रूपरेखाएं और कार्य होने हैं, उनकी इस अधिवेशन में पूरी जानकारी सभी को दी जाती है। और इसका अधिवेशन का सबसे बड़ा महत्व है, पूरे राष्ट्र के पदाधिकारी एवं सदस्य इस अधिवेशन में आपस में मिलकर एक सौहार्दपूर्ण और क्या क्या गतिविधियाँ आपस में होती है उसकी पूरी जानकारी आपस में लेते हैं।